आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे तीन राशि के बारे में, पुरुषों की राशि के बारे में, जिनसे महिलाओं को विवाह काफी सोच समझ कर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत खराब लाइफ पार्टनर साबित होते हैं आगे चल के। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर कोई चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसे बहुत प्यार दे, उसका सम्मान करे और केयर करे। ये सपने संजोना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पूरी जिंदगी अपने जीवन साथी के साथ बितानी है। आप खुद सोचिए, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हैं जिसके मन में आपके प्रति कोई इज्जत भावना नहीं हो, या फिर वो आपसे जलन रखे। ज्यादातर लड़कियां काफी इमोशनल होती है, ऐसे में चाहती हैं कि उन्हें जो पार्टनर मिले वो भी उनके इमोशंस की कद्र करें। तो ऐसे ही तीन राशियां हैं जिनसे शादी करने से आपको बचना चाहिए। पहली राशि है मीन राशि, जिनसे शादी करने से पहले काफी सोचना विचारना चाहिए। मीन जाति वाले लोग अपने पार्टनर से 10 तरह की गलतियां ढूंढने में व्यस्त रहते हैं, उन्हें अपनी गलतियां कभी नजर नहीं आती है। ये अच्छा खासा माहौल जो है वो खराब करके रख देते हैं। इन्हें अपनी उम्मीदों के आधार पर अपना रिलेशनशिप चलाना होता है। ये इस बात की फिक्र नहीं करते कि इनके पार्टनर की क्या सोच है, और इसी तरह से समस्याएं खड़ी होने लगती है। ये धीरे धीरे करके अपने रिश्तों को अपनी जलन और स्वभाव से खराब कर देते हैं, जिसके इनके पार्टनर का इस रिश्ते से दम घुटने लगता है। दूसरा है कन्या राशि। कन्या राशि वाले अनियंत्रित गुस्से के कारण अपने रिश्ते को खराब करते हैं। ये अपने रिश्ते पर शक करते हैं, और जब शक करते हुए पकड़े जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। इसी कारण से इन्हें अपने रोमांटिक रिश्तों में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इनका व्यवहार देखने में ऐसा लगता है मानो ये बड़े ही चार्मिंग पर्सनैलिटी के हैं, लेकिन ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही होते हैं। ये अपनी उंगली पर अपने पार्टनर को ऐसे नचाते हैं कि इनके पार्टनर को पता ही नहीं चल पाता है ये कब इनके हाथों की कठपुतली बन चुकी है। इनका गुस्सा ऐसा होता है कि अपने पार्टनर को एक पल के लिए झटका दे सकते हैं, आपको अपनी गलती के लिए यातना दे सकते हैं, और इनके व्यक्तित्व की सबसे खराब बात यह है कि आपको रोते हुए भी देख सकते हैं। उसके बाद एक और राशि है, और वो राशि है वृषभ, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस काफी कम होते हैं। ये खुद में ही खोए हुए लोग होते हैं जो अपने निजी लाभ के आगे अपने साथी और उसके प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं। ये अपने जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और इसी पर फोकस रहते हैं, जो कि रोमांटिक रिश्ते के लिए जगह नहीं छोड़ती। वैसे तो अपने सभी साथी के लिए भरोसेमंद साबित होते हैं, लेकिन इमोशनली तौर पर उनसे जुड़ते नहीं है। वृषभ राशि वाले लोग आपको अपना साथी तो आराम से बना लेंगे, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी आपको खुश करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।